राम जी के पक्ष का है। वो भक्त दुल्हा राम जी की सुंदरता की ब्यूटी की बड़ाई करता है महाराज, और जो भक्त दुल्हन जानकी की पक्ष का है माता जी बहन जी, वो भक्त दुल्हन जानकी के सौंदर्य की बड़ाई करता है कि हमारी बहन दुल्हन जानकी भी दुल्हा राम की अपेक्षाकृत कम खूबसूरत कम ब्यूटीफुल नहीं है। महाराज राम के भक्त ने कहा है कि राम को शरीर है जो नील मेघ के समान, राम को शरीर है जो नील मेघ के समान। राम के भक्त ने कहा हमारे दूल्हा राम जी इतने सुंदर हैं जैसे नीला बादल। तो दुल्हन जानकी के भक्त ने कहा अगर तुम्हारे दूल्हा राम नीला बादल हैं तो हमारी बहन दुल्हन जानकी भी कम नहीं है। जाना के लाली की प्रभा शुद्ध बिजली सी है। अगर तुम्हारे दूल्हा राम नीला बादल हैं तो हमारी बहन दुल्हन जानकी उस बादल के बीच कड़कने वाली बिजली के समान है। महाराज राम के भक्त ने कहा नहीं, राम अंग को है रंग जमुना तरंग सम, ताने जानकी मेरी प्रेम मछली सी है। लेकिन दूल्हा राम के भक्त ने कहा नहीं, बिंदु का भी शंकर जटा के भांति राम रूप। तो दुल्हन जानकी के भक्त ने कहा अगर तुम्हारे दूल्हा राम जी भोले बाबा की जटा है तो सिया सुघराई सूरज सारिता धारी सी है। अंत में दुल्हा राम के भक्त ने कहा उपमा मिली है भली कि राम है भ्रमर श्याम। तो उधर मैथिली अली स्वर्ण पंकज गली सी है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और जनकपुर फुलवारी में जब पहले पहल पहली बार दुल्हन जानकी ने जी ने दूल्हा राम को देखा है और हमारे दूल्हा राम जी ने दुल्हन श्री जानकी जी को देखा है महाराज, दादा पहली मुलाकात का आनंद को दूसरा होता है। जो आनंद जिस जो सुखद अनुभूति पहली मुलाकात में होती है दादा जीवन में फिर वो आनंद दोबारा नहीं मिलता। आज जनकपुर फुलवारी में जब पहली बार जानकी जी ने दूल्हा राम को दूल्हा राम जी ने दुल्हन जानकी को देखा तो दृश्य है अरे देख कर राम जी को श्री जनक नंदिनी। पहली बार देख कर राम जी को श्री जनक नंदिनी वही पाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी पाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर
जनकपुर फुलवारी में बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। दृश्य क्या है, राम देखे सिया को तो उधर से सिया राम को, राम देखे सिया को तो इधर से सिया राम को। इसी देखने देखने में चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की। इतने में दुल्हन जानकी की सखियां पीछे खड़ी हुई थी। माता जी, उन सखियों में से एक सखी से नहीं रहा गया महाराज, दुल्हा राम की कोमलता को देख के नहीं रहा गया। तो उसने कह दिया, एक रच दिया है विधाता ने यह जोड़ी सुधर। लेकिन समस्या है कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर। दुल्हा राम जी के पक्ष का है वो भक्त, दुल्हा राम जी की सुंदरता की ब्यूटी की बड़ाई करता है महाराज, और जो भक्त दुल्हन जानकी की पक्ष का है माता जी बहन जी वो भक्त दुल्हन जानकी के सौंदर्य की बड़ाई करता है कि हमारी बहन दुल्हन जानकी भी दुल्हा राम की अपेक्षाकृत कम खूबसूरत कम ब्यूटीफुल नहीं है महाराज। राम के भक्त ने कहा है कि राम को शरीर राम को शरीर है जो नील मेघ के समान। राम के भक्त ने कहा हमारे दूल्हा राम जी इतने सुंदर हैं जैसे नीला बादल। तो दुल्हन जानकी के भक्त ने कहा अगर तुम्हारे दूल्हा राम नीला बादल हैं तो हमारी बहन दुल्हन जानकी भी कम नहीं है। जाना के लाली की प्रभा शुद्ध बिजली सी है। अगर तुम्हारे दूल्हा राम नीला बादल है तो हमारी बहन दुल्हन जानकी उस बादल के बीच कड़कने वाली बिजली के समान है महाराज। राम के भक्त ने कहा नहीं, राम अंग को है रंग जमुना तरंग सम ताने जाने की मेरी प्रेम मछली सी है। लेकिन दूल्हा राम के भक्त ने कहा नहीं, बिंदु का भी शंकर जटा के भांति राम रूप। तो दुल्हन जानकी के भक्त ने कहा अगर तुम्हारे दूल्हा राम जी भोले बाबा की जटा है तो सिया सुघर आई सुर सारिता धारी सी है। अंत में दुल्हा राम के भक्त ने कहा उपमा मिली है भली कि राम है भ्रमर श्याम। तो उधर मैथिली अली स्वर्ण पंकज गली सी है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और जनकपुर फुलवारी में जब पहले पहल पहली बार दुल्हन जानकी ने जीने दूल्हा राम को देखा है और हमारे दूल्हा राम जी ने
दुल्हन श्री जानकी जी को देखा है महाराज। दादा पहली मुलाकात का आनंद को दूसरा होता है। जो आनंद जिस जो सुखद अनुभूति पहली मुलाकात में होती है दादा, जीवन में फिर वो आनंद दोबारा नहीं मिलता। आज जनकपुर फुलवारी में जब पहली बार जानकी जी ने दूल्हा राम जी ने दुल्हन जानकी को देखा तो दृश्य है, अरे देख कर राम जी को श्री जनक नंदिनी। पहली बार देख कर राम जी को श्री जनक नंदिनी, वही पाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, पाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम